गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश लिटरेचर क्लास. दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास आफ्टर विंटर वेकेशन. और मुझे उम्मीद है कि आपने विंटर वेकेशन अच्छे से स्पेंड करी होगी और थोड़ी पढ़ाई भी करी होगी. ओके, नाउ टुडे इज़ योर यूनिट 9th. इन दिस यूनिट देयर इज़ अ poem. The name of your poem is Don't Tell. This is the poem about a little boy. एक छोटा सा लड़का है, उसके बारे में ये poem है. Just like you, जैसे आप छोटे बच्चे हो ना, same ऐसे ही एक छोटा बच्चा है, उसकी poem है ये. Okay? Now I am reading the poem and you also take out your book and read the poem with me. Okay, my dear student. Now let's start the poem. Don't tell. There are lots of things they would not let me do. I am not big enough yet, they say. So I patiently wait till I am all grown up, and I will show them all one day. I could show them now if they gave me the chance. There are things I could do if I tried, but nobody knows that I am really a giant inside. Now this is your poem. There are lots of things. Now I am explaining the poem, my dear student. Listen very carefully the explanation of this poem. There are lots of things they would not let me do. The boy was saying ki there are so many things which they would not let me do. They means parent. Parent means mummy papa. इस बच्चे की जो मम्मी पापा है ये उनकी एक तरह से शिकायत कर रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो मुझे करने नहीं देते. आई एम नॉट बिग इनफ येट, दे से. दे मीन्स पेरेंट्स. वो क्या कहते हैं कि मैं अभी बड़ा नहीं हुआ हूँ. जैसे आपको भी कहते होंगे कि ये काम मत करो, अभी आप बड़े नहीं हुए. वो काम मत करो, अभी आप बड़े हुए नहीं हुए, आप छोटे हो. तो सेम लाइक यू, इसके पेरेंट्स भी कहते हैं यू आर नॉट अ बिग बॉय, सो डोंट डू दीज थिंग्स. तो जो वो काम करना चाहता है उसको नहीं करने देते वो चीज़ें. ओके, सो आई पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रोन अप. इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पेशेंटली, बहुत धैर्यपूर्वक, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ. कब तक? जब तक कि मैं बड़ा ना हो जाऊँ. ऑल ग्रोन अप, बड़ा ना हो जाऊँ. ओके, एंड आई विल शो देम ऑल वन डे. तब एक दिन मैं उन्हें दिखा दूंगा. आई विल शो टू माई पेरेंट्स दैट आई कैन डू एवरीथिंग. ठीक है, आई कुड शो देम नाउ. आई कैन शो देम, देम मीन्स सब लोगों को. दे मीन्स पेरेंट्स एंड देम जो ये वर्ड है ये यूज़ किया गया है सब लोगों के लिए. ठीक है, जितने सब लोग हैं मैं उन्हें दिखा सकता हूँ, अभी भी दिखा सकता हूँ. नाउ मीन्स अभी भी मैं दिखा सकता हूँ. आई कुड शो देम इफ़ दे गेव मी द चांस. इफ़ दे, माई पेरेंट्स एंड अदर पीपल गिव मी चांस, तो आई कैन शो देम कि आई कैन डू सो मैनी थिंग्स. देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ़ आई ट्राइड. अगर मैं कोशिश करूं, ट्राई मीन्स कोशिश करना, अगर मैं कोशिश करूं तो आई कैन डू ईच एंड एवरी थिंग. मैं बहुत सारे काम
कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है. दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोम. बट नोबडी नोज मीन्स नोबडी, पेरेंट्स एंड अदर पीपल दे डोंट नो कि दैट आई एम रियली अ जायंट, मैं एक बहुत बड़ा जायंट हूँ. बहुत बड़ा जायंट मीन्स बिग साइज, बिग साइज या ह्यूज साइज, जो बड़े होते हैं ना उनके लिए, कि मैं अंदर से जो हूँ, इनसाइड मीन्स अंदर से एक बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ. जैसे ये फोटो में दिखाया, ये लड़का सोच रहा मैं इतना बड़ा हूँ, ठीक है. आई एम वेरी बिग बॉय इनसाइड, मैं बहुत बड़ा हूँ, तो आई कैन डू ईच एंड एवरी थिंग. स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि आपके मम्मी पापा भी आपको बहुत सारा काम नहीं करने देते होंगे. जैसे आप स्कूटर चलाना चाहते होंगे तो योर पेरेंट्स नॉट अलाउड टू यू टू राइड अ स्कूटर, है ना, और आपको स्विमिंग के लिए नहीं जाने देते होंगे. तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके लिए आपको टोकते होंगे, नहीं आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, और आप वो सब करना चाहते हो, क्योंकि एक दिन आप बड़े होकर आप भी कैसे बनोगे, बिग मैन बनोगे ना, बनोगे कि नहीं बनोगे, बनोगे आप एक दिन बड़े हो जाओगे जब, तो बट इन दिस टाइम यू आर अ लिटिल बॉय और लिटिल गर्ल. अभी आप एक छोटे बच्चे हो, लड़का या लड़की कोई भी हो, अभी आप कैसे हो, छोटे हो, तो यू कैन डू सो मैनी थिंग्स. हु थॉट दिस, देयर पेरेंट्स थॉट दिस, ठीक है. एंड हियर इज वन होमवर्क फॉर यू विच यू हैव टू डू इन योर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक, ओके. इन दिस यू हैव टू डू डिफिकल्ट वर्ड्स, योर डिफिकल्ट वर्ड्स आर इनफ, चांस, ग्रो, पेशेंट, जायंट एंड रियली, दीज आर योर डिफिकल्ट वर्ड्स विच यू हैव टू लर्न. ये आपको लर्न भी करना है, एंड यू हैव टू राइट ऑल दीज डिफिकल्ट वर्ड्स विद स्मॉल लेटर. स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना बच्चों, इसे लिखना, ओके, डोंट यूज कैपिटल लेटर. नाउ हियर इज वर्ड मीनिंग, इनफ एज मच एज नीडेड. इनफ मीन्स जितना होना चाहिए उतना नहीं, बोलते ना अभी आप बड़े नहीं हुए हो, तो वो चांस, पॉसिबिलिटी, जायंट ऑफ अ ह्यूज साइज, बहुत बड़ा साइज, पेशेंट, टू बी एबल टू वेट फॉर समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए जो इंतज़ार करते हैं उसे कहते हैं पेशेंट, ओके. आफ्टर दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन आंसर, हाउ ओल्ड इज द स्पीकर, तो वो बच्चा कैसा है जो बता रहा है, वो आपकी बराबर है ना. द स्पीकर इज अ चाइल्ड, ओके. हु आर दे एंड देम इन द पोम, अभी मैंने आपको बताया हु आर दे एंड देम किसके लिए रेफर किया गया है. दे आर द पेरेंट्स, जो दे वर्ड है ये किसको रेफर किया गया है, पेरेंट्स को. एंड देम इज ऑल द पीपल इन द पोम, और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, देम, ओके. वॉट इज द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग, उसने क्या सीक्रेट छुपा रखा है. द स्पीकर इज हाइडिंग द जायंट इनसाइड हिम, अंदर से वो कैसा है, बहुत बड़ा है, वेरी बिग, ओके. नाउ थिंक एंड राइट, दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू डू योर सेल्फ, बट आई रिटर्न हियर द आंसर अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट ऑफ लास्ट ईयर. लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट थे उन्होंने जो मुझे आंसर दिए थे व्हेन आई टुक द क्लास, जब मैंने क्लास ली थी, तो सब बच्चे थे ना लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर मीन्स 2019 में, तो उन बच्चों ने जो मुझे जवाब दिए थे तो वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे आंसर में. तो आप अगर ये लिखना चाहो तो यू कैन राइट दीज ऑल दीज थिंग्स, अदरवाइज यू कैन राइट योर ऑन सेंटेंस ऑल्सो. जो आपके पेरेंट्स आपको नहीं करने देते वो बातें आप लिख सकते हो. नाउ फर्स्ट थिंग, दे कुड नॉट अलाउ मी टू यूज इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, मतलब जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती है ना उनको छूने नहीं देते ना पेरेंट्स, तो ये मुझे बच्चों ने बताया था, तो आई राइट इट हेयर. नाउ सेकेंड इज, दे वुड नॉट अलाउ मी टू क्लाइम ऑन अ ट्री, ये भी मुझे बच्चे ने बताया था कि मुझे मेरे मम्मी पापा पेड़ में नहीं चढ़ने देते, तो मैंने ये यहाँ लिख दिया है, ओके. आपके मम्मी पापा भी नहीं देते होंगे शायद आपको चढ़ने.
दे वुड नॉट अलाउ मी टू राइड अ स्कूटर, और स्कूटर नहीं चलाने देते, है ना। तो ये सब बच्चों ने मुझे आंसर दिए थे, और उन्होंने बहुत सारे मुझे आंसर दिए थे, लाइक दे वुड नॉट अलाउ मी टू गो आउटसाइड इन द रेन, मतलब बारिश में मुझे बाहर नहीं जाने देते, जबकि मुझे बारिश में खेलने का बहुत मन करता है, स्विमिंग करने नहीं जाने देते, और अकेले कहीं मार्केट में नहीं जाने देते। तो बहुत सारी बातें मुझे बच्चों ने बताई थी, तो मैंने उसमें से 3 लिखनी थी ना, तो आई राइट हियर 3 सेंटेंसेस। इफ यू वॉन्ट टू राइट मोर तो यू कैन राइट माई डियर। नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट आर द थिंग्स वुड यू यू वुड लाइक टू डू वैन यू ग्रोन अप दैट यू कॉन्ट डू नाउ, मतलब वो चीज़ें जो अभी आप नहीं कर सकते, बड़े होकर करना चाहते हो, तो वो बातें आप यहाँ लिख सकते हो। ओके, आई रिटन हियर आई वुड लाइक टू क्लाइंब ऑन अ ट्री, मैं पेड़ में चढ़ना चाहता हूँ, राइड ऑन अ स्कूटर, एक स्कूटर चलाना चाहता हूँ, एंड हैंडल इलेक्ट्रिक डिवाइस, और जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, चीज़ें हैं बिजली की, उन्हें हैंडल करना चाहता हूँ, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मैं ये सारे काम करना चाहता हूँ। ओके, नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज मेक सेंटेंसेस, मेक सेंटेंसेस विद फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स से आपको सेंटेंस बनाने हैं, यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस। योर फर्स्ट इज इनफ, आई हैड इनफ लंच विद माई फ्रेंड, आप अपना भी बना सकते हैं, आई एम नॉट इनफ बिग, इस तरह से। और सेकेंड जैसे आपका चांस, देयर इज अ चांस ऑफ विनिंग द गेम, फिर अ जायंट, आई सॉ अ जायंट एनिमल इन द जू, पेशेंट, माई टीचर वॉज वेरी पेशेंट विद द स्टूडेंट्स, दीज आर योर मेक सेंटेंसेस विच यू हैव टू डू इन योर लिटरेचर नोटबुक, आपको ये सारा काम लिटरेचर की नोटबुक में करना है। ओके, और योर होमवर्क इज लर्न डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग, यू हैव टू लर्न द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग, ये आपको करने हैं, जिसका मैं आपसे टेस्ट लूँगी इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारा फुलवारी व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें मैं आपसे इसका टेस्ट लूँगी। ओके, तो आपको ये लिखने के साथ साथ लर्न भी करना है। ओके, और आपको मार्क्स भी दूंगी, जैसे राइटिंग का मैंने किया तो मैंने नोट कर लिया आप सबके नेम, है ना, और उसमें अब आपको फाइनल में मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट, एंड डू योर वर्क वेरी नीटली जस्ट लाइक मी, जैसे मैंने देखो कितनी सफाई से वर्क किया है ना, तो ऐसे ही यू हैव टू डू योर वर्क। ओके, और यू हैव टू लर्न ऑल योर डिफिकल्ट वर्ड्स एंड what word meaning. Now we will meet in our next video. Till then, thank you. Bye-bye.